आजम खान को लेकर पूछे गए एक सवाल को लेकर अखिलेश यादव भड़क गए। बाद में उनके सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों के साथ हाथापाई की। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करने के लिए हमारे पास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, आजम खान को लेकर के सवाल पूछा गया तो अखिलेश जी नाराज हो गए, उन्होंने कहा भाजपा से पूछो, तो आप ही बता दें सर। देखिए, मैं समझता हूँ श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनकी प्रेस में जो भी पत्रकारों के साथ घटना हुई है, मैं उसकी कड़े से कड़े शब्दों में पहले तो निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और श्री अखिलेश यादव जी 2022 में सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, तो यह एक तरह से पूरी प्रदेश की जनता के लिए समाजवादी पार्टी का उन्होंने पत्रकारों के साथ जो घटना हुई है उसके माध्यम से अपना ट्रेलर बताया है कि आने वाली फिल्म 2012 से और 17 के बीच में, जो उनके शासन में एकदम अराजकता, गुंडागर्दी, अपराध चरम पर था, उससे भी खतरनाक होने वाले हैं। जहाँ तक श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के द्वारा मोहम्मद आजम खां के समर्थन में वह साइकिल रैली निकालने की बात कर रहे हैं, तो यह शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का मैं समझता हूँ कि जो रास्ता वो अपनाने का काम कर रहे हैं वो करें, उनकी पार्टी का सवाल है। लेकिन अब यहाँ पर विकास की राजनीति होगी, सुशासन की राजनीति होगी, गुंडागर्दी और जंगल राज से मुक्ति की राजनीति होगी। अब यहाँ न तो तुष्टिकरण की राजनीति होगी, न क्षेत्रवाद की राजनीति होगी, न जातिवाद की राजनीति। केशव जी, बड़ा एग्रेशन के साथ अखिलेश यादव आजकल भारतीय जनता पार्टी के हमले बोल रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, लेकिन अब ये एग्रेशन उनके व्यवहार में नजर आने लगेगा, क्या कहते हैं? ये उनको फीडबैक मिल रहा है, उन्होंने सोचा था कि हम शायद ऐसी परिस्थिति पैदा करने में कामयाब होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में पछाड़ पाएंगे, लेकिन अब उनको मालूम है कि उनकी स्थिति तो 2017 से भी बुरी होने वाली है। इसलिए ये बौखलाहट है, ये खिसियाहट है, ये घबराहट है। और इसके कारण जब पत्रकारों पर, मतलब अगर सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहे तो नहीं दो, लेकिन जिस प्रकार से रिएक्शन दिया गया है, मैं समझता हूँ कि देश का कोई भी, जो उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते 5 साल का कार्यकाल बिताया हो, उनके द्वारा इस प्रकार से जो व्यवहार किया गया है और फिर उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पत्रकारों से मारपीट की गई है, निंदनीय है, अशोभनीय है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाली। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव रहे हैं, 4 बार सरकार बनाई है, 3 बार खुद मुख्यमंत्री बने हैं और 1 बार अखिलेश बने हैं। हम लोगों ने उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, अगर वो कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो इग्नोर कर देते थे, नो कमेंट्स बोल देते थे, लेकिन ये परिपाटी अखिलेश में ट्रांसफर क्यों नहीं? ये तो अखिलेश जी से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार है, जवाब देना जिम्मेदारी है। अगर नहीं जवाब देना है तो आप उसको अन्य तरीके से मना कर सकते हैं, टाल सकते हैं, लेकिन सवाल के जवाब में मारपीट करेंगे पत्रकारों से, यह लोकतंत्र की मर्यादा के एकदम विरुद्ध है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो उसको इग्नोर कर दें, लेकिन जिस तरह की अभद्रता पत्रकारों के साथ की गई है वो ठीक नहीं है और वो इसकी निंदा करते हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।